हेलो एवरीवन वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विक्टर एडुकेटर्स दिस इज नीलम योर मेंटर फॉर इंग्लिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर डिटेक्शन सो शुरू करते हैं आज का सेशन एज पर द डिरेक्शन द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स मतलब कि जो गिवन सेंटेंस होगा ये फोर डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर कर ही दिया गया होगा द एरर इफ एनी विल बी इन एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब कि जो एरर होगा ये किसी एक पार्ट में होगा एरर है एज ये जो गि एर होगा ये स्पेलिंग ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल किसी भी तरीके का हो सकता है सो so, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सेंटेंस में किस, तर, आ, किस पार्ट में एरर होगा डिस्कस

या इस तरीके तरीके से से ये कोई है। होगा कि की होगी ना। इसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी सो एरर ऑब्वियसली ए पार्ट में होगा इट इज गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड टू के साथ बिल्कुल सही है एथलीट्स विथ प्रोवाइड करना एंड प्रोवाइड के साथ ये विद प्रपोजिशन बिल्कुल सही है प्रोवाइड्स एथलीट्स विद द नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर देयर ट्रेनिंग सो यहाँ पर जो एरर है ये ऑप्शन नंबर ए में होगा क्योंकि यहाँ पर हम इस गवर्नमेंट का पजेसिव केस यूज करेंगे जो कि होगा गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन

ओके एंड सिक्स को यहां पर हम कहेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव एंड फर्स्ट को यहां पर हम कहेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो हमें ऑर्डर बताता है ऑर्डिनल एंड इसे भी कंप्लीट कर देते हैं कार्डिनल सो रूल कहता है कि जब भी कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव साथ में आते हैं तब उनका जो सीक्वेंस होता है ये सीक्वेंस ये तो बिल्कुल गलत होगा इनका सही सिक्वेंस जो होता है ये होता है पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है एंड देन कार्डिनल एडजेक्टिव लिखा जाता है सो so, जो सही सिक्वेंस होगा ये बनेगा सिक्स वन वेटेलाइट वर लॉन्च तो यहाँ पर इसमें एरर हो जाएगा ओके okay? फिर से एक बार डिस्कस uh, uh, फिर से एक बार रिपीट करते फर्स्ट दोनों एडजेक्टिव होते हैं एंड ये फर्स्ट को हम यहाँ पर कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव एन जो होता है ये कहलाता है कार्डिनल एडजेक्टिव कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जिनसे हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता जैसे कि वन टू थ्री फोर इस तरीके के एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमें ऑर्डर बताते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टेंथ इस तरीके के ओके okay. तो जब भी ये दोनों एडजेक्टिव साथ में आते हैं तो इनका सिक्वेंस हमेशा ऐसा होगा पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा एंड देन देनल मतलब कि फर्स्ट की प्लेस पर सिक्स एंड सिक्स की प्लेस पर यहाँ पर फर्स्ट होगा तो एरर जो होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में होगा वन वेब सैटेलाइट वर लॉन्च वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है बाय किसके द्वारा असो यूज एस टी कैरियर रॉकेट यहाँ तक ये भी बिल्कुल सही है फ्रॉम दी कराऊ स्पेस सेंटर कराऊ स्पेस सेंटर के लिए का यूज किया गया है इन फ्रेंच गियाना फ्रेंच गियाना में कब डेट के लिए ऑन यूज किया गया है प्लेस के लिए इन यूज किया गया है फ्रेंच गियाना ऑन ये इस डेट के लिए यूज किया गया है टू थाउजेंड नाइनटीन सो बाकी सारे पार्ट्स तो बिल्कुल सही है सो एरर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन so let's check guys neither samir nor his wife were aware of any laws regarding the sale of house so यहाँ बोला जा रहा है कि ना तो samir को पता था ना तो उसकी wife को पता था awareness नहीं थी मतलब information नहीं थी लॉस के बारे में रूल्स के बारे में रिगार्डिंग द सेल ऑफ हाउस तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में बात की जा रही है फर्स्ट समीर के बारे में बात की जा रही है फर्स्ट सब्जेक्ट एंड उसकी वाइफ के बारे में तो ये वाइफ यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट हो जाएगा एंड दोनों जो सब्जेक्ट है समीर एंड हिज वाइफ ये कनेक्टेड किससे है नीदर एंड नॉर से सो so जब भी दो सब्जेक्ट नीदर या नॉर से कनेक्टेड होते हैं तब वर्ब जो होता है ये वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा एंड सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पर वाइफ है जो कि कैसा सब्जेक्ट है बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है एक ही तो वाइफ है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉस सो नीदर समीर नॉर हिज वाइफ वॉज अवेयर ऑफ एनी लॉज रिगार्डिंग द सेल ऑफ हाउस सो एरर इज इन पार्ट बी नेक्स्ट क्वेश्चन so let's check guys all the doctors were puzzled all the doctors सभी डॉक्टर्स एंड यहाँ पर ध्यान देंगे ऑल आया है एंड ये नाउन है नॉन प्लूरल है इस वजह से बीच में द आर्टिकल का यूज करना बहुत जरूरी होता अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखा जाता ऑल डॉक्टर्स तो ये बिल्कुल गलत हो जाता इट शुड बी ऑल द डॉक्टर्स ऑल दी स्टूडेंट इस तरीके से सो सभी के सभी डॉक्टर्स वर डॉक्टर्स प्लूरल है इसलिए वो भी प्लुरल पज़ल्ड हो चुके थे मतलब कि कंफ्यूज हो चुके थे किस पर किस से पजल्ड ऑन यहाँ पर ये एरर हो जाएगा पज़ल्ड के साथ ऑन का यूज नहीं किया जाता पज़ल्ड के साथ बाय का यूज किया जाता पजल्ड हो गए थे कंफ्यूज हो गए थे बाई दी स्ट्रेंज सिम्टम्स स्ट्रेंज सिम्टम्स रिपोर्टेड बाई देश एरर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में होगा इट शुड बी पजल्ड बाय नॉट नॉट पजल्ड ऑन Next question. सो लेट्स चेक गाइस काफी इजी क्वेश्चन था इन इंडिया इलेक्टोरेट्स आर नॉट अलाउड टू अपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी केस यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन इंडिया इंडिया में, इंडिया में एन के आगे कोई आर्टिकल द वगैरह नहीं लगता इलेक्टोरेट्स यहाँ पर ये वर्ड बिल्कुल गलत है बिकॉज इलेक्टोरेट्स ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ये एस यहाँ से हट जाएगा इलेक्टोरेट बिकॉज दिस इलेक्टोरेट इट्स इज अ प्लूरल वर्ड जिसका मतलब क्या होता है इलेक्टोरेट्स मतलब पीपल लोग सपोज मैंने कहा इंडिया के इलेक्टोरेट मतलब कि ऐसे इंडिया के लोग जो एंटाइटल्ड है वोट करने के लिए मतलब कि जिन्हें अधिकार है राइट right है किसका वोट करने का उन्हें हम कहते हैं इलेक्टोरेट सो इलेक्टोरेट का ही मतलब होता है पीपल हुई टू वोट याट्स वर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करताल वर्ड वर्ड सॉरी नाउ सो so, आर देखिए आर बिल्कुल सही आएगा क्योंकि इलेक्टोरेट एक प्लूरल वर्ड uh, है सो आर नॉट अलाउड अलाउड नहीं किया जाता है टू अपोज अपोज करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो बाकी सभी पार्ट बिल्कुल सही है पार्ट ए नेक्स्ट क्वेश्चन So let's check guys. Achieved, achieve कर कर लिया लिया है जिसका मतलब किसी चीज़ को हासिल कर लिया है, actual success, actual success को एंड ऑथेंटिसिटी सो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि ये जो एक्चुअल सक्सेस है तरक्की है एंड ये जो फुलफिलमेंट है सेटिसफेक्शन है इसे कैसे अचीव करना है एफर्ट्स से अपने एफर्ट्स को एम्पावर करके विथ ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी के साथ तो यहाँ पर अचीवड नहीं आएगा अचीव आएगा मतलब कि यहाँ पर कोई कह रहा है या बता रहा है कि अपने सक्सेस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं कैसे कि अपने एफर्ट्स को एम्पावर करके विद ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी सो अचीव एक्चुअल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ अचीव योर एक्चुअल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट बाय एम्पावरिंग योर एफर्ट्स विद ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी कि ऐसा आप कीजिए इस तरीके से सो एरोज पार्ट ए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक द ओनस इज ऑन द सुप्रीम कोर्ट ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी uh, सो so, ये एक नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया एंड ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये अब किस पर है ऑन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले हमेशा याद रखना है द का यूज किया जाता है टू पुट एंड एंड मतलब किसी चीज को खत्म करने के लिए टू द अनसीम टसल यहाँ पर नाउन है एंड इस टसल का मीनिंग यहां पर होता है फाइट एंड कैसी फाइट तसल नाउन है सो यहाँ पर ये यह अनसीम एडजेक्टिव है लेकिन ये वर्ड बिल्कुल यहाँ पर गलत है क्योंकि अनसीम ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता इट शुड बी अनसीमली अनसीमली एंड अनसीमली एम है ये अनसीमली का मतलब ऐसी फाइट या ऐसी कोई चीज जो क्या है एप्रोप्रिएट नहीं है जो क्या होगी इन होगी या जो सही नहीं है जो इमर है इसे हम कहते हैं so, ऐसी जो क्या होगी, देखा नहीं गया या अभी तक दिखा नहीं, इस तरीके से अनसीन सो so, ये एन आता है लेकिन ये तो अनसीम है एंड ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ये होता है अनसीमली एंड ये एक एडजेक्टिव होता है ओके okay? so, तो टसल नाउन है अनसीमली यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा सो एरोजन पार्ट सी Next question. इंटरनल इंक्वायरी ऑन द चीफ मिनिस्टर वुड बी अ गुड तो किस पर चीफ मिनिस्टर के लेटर पर इंक्वायरी सेट करने की बात की जा रही है इंक्वायरी के बाद ये ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल गलत होगा इंक्वायरी के बाद आएगा इंक्वायरी इनटू ऑर्डरिंग एंड इंटरनल इंक्वायरी इनटू द चीफ मिनिस्टर्स लेटर वुड बी अ गुड बिगनिंग क्या होगी एक अच्छी शुरुआत होगी सो so, एरर जो है पार्ट बी में है नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट्स चेक गाइज द डिसीजन डिसीजन एक नाउन है एस आई ओवन से एंड हो रहा है इसलिए आर्टिकल द का यूज़ किया गया है टू क्या अपॉइंट करने के लिए एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटर यहाँ पर बात करेंगे ऑडिटर नाउन होगा एक्सटर्नल एड्जेक्टिव इन इस ऑडिटर के लिए ये आर्टिकल एन सॉरी आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है क्योंकि नाउन के लिए ही हमेशा आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है सो एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिटर क्योंकि vowel sounding है इसलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है किसके लिए फॉर दैंक बैंक बैंक के लिए इज दी मैंडेट मैंडेट मतलब ऑर्डर होता है ये ऑर्डर किसका था ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डर था अ बॉडी सुपीरियर दैन बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स तो ये बॉडी मतलब किसे ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इन्हें कहा जा रहा है ये जो बॉडी है जो ग्रुप है जो कि सुपीरियर है किससे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर है तो यहाँ पर बात करेंगे कम्पेरिजन किया जा रहा है किसे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है किससे बोर्ड ऑफ सॉरी गवर्नर्स को कंपेयर किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स से इसलिए यहाँ पर सुपीरियर एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है सुपीरियर एक एडजेक्टिव है जो कि कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ओके okay? एंड इस एडजेक्टिव के बाद जो प्रपोजिशन होता है वो हमेशा टू होता है ना कि दैन हमेशा याद रखना है जितने भी आई ओ आर एंडिंग वर्ड्स है सुपीरियर, ियर ऑल्टेरियर एंड जितने भी आयो आर एंडिंग वर्ड दुनिया में है सभी की बात की जा रही है यहां पर इन सभी के बाद प्रिपोजिशन टू का यूज किया जाता है एंड ये जो सभी एडजेक्टिव्स है ये सारे कैसे एडजेक्टिव है ये कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज किए जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को दो एंटिटीज को या दो लोगों को एंड इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है एंड इन वर्ड्स के साथ और भी कुछ वर्ड्स है जैसे कि एल्डर प्रिफर एंड एक और वर्ड है प्रिफरेबल तो so, ये भी भी सारे comparative degree के ही adjectives है, इनके बाद भी हमेशा preposition to का use किया जाता है जैसे हम कहते हैं ना शीज एल्डर दैन मी नहीं एल्डर के बाद शीज एल्डर टू मी होता है सुनने में देखने में बिल्कुल सही लगता है लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है सो so, यहाँ पर सुपीरियर के बाद टू आएगा ना कि इन पार्ट डी नेक्स्ट क्वेश्चन स ब्रोकआउट एट द यूनिट वायलेंस ब्रोकआउट मतलब की uh, uh, शुरू हो गया कहां पर एट द यूनिट यूनिट में यहां तक बिल्कुल सही है इन डिसंबर डिसंबर में इन डिसंबर ट्वेल्थ ओके okay, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर होता सपोज ये यह ट्वेल्व यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ट्वेल्व मतलब ये ट्वेल्व दिसंबर की बात की जा रही है सो तो अगर ये नहीं दिया होता तब ये बिल्कुल सही होता इन दिसंबर आफ्टर सेवरल वर्कर्स लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये यह ट्वेल्व डेट दी हुई है इस वजह से जो एरर होगा ये इस प्रपोजिशन में होगा एंड ये हो जाएगा ऑन जैसे सिर्फ दिसंबर होता तो हम कहते इन दिसंबर या हम किसी भी मंथ के लिए इन जनवरी इन फेब्रवरी इस तरीके से यूज करते हैं लेकिन जब डेट की बात आती है तब हम यूज करते हैं ऑन ट्वेल्थ जनवरी ऑन जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दिसंबर इस तरीके से यूज किया जाता है सो so, इस ट्वेल्थ आने की वजह से ये जो प्रिपोजिशन होगा ये यहाँ पर क्या होगा एट होगा ना कि इन सो एरर हियर इज इन पार्ट बी बाकी पार्ट भी चेक कर लेते हैं इन ट्वेल्व सॉरी ऑन ट्वेल्थ दिसंबर आफ्टर सेवरल सेवरल आया है इसलिए नाउन यहाँ पर प्लूरल है रेज किए क्या स्लोगन्स प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यू देयर मतलब ये वर्कर्स के खिलाफ नॉन पेमेंट मतलब उनका पेमेंट नहीं हुआ उसके खिलाफ उन्होंने uh, स्लोगन्स रेज किए तो so, यहाँ पर जो एरर है ये बी पार्ट में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो लेट्स चेक गाइस एवरी वन एडमायर्स गीता एवरी वन आया है ये एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि एवरी वन में हमें नहीं पता कितनी मेल से कितने फीमेल है कितने, familiar, कितने लोग हैं इसलिए इसके साथ जो वर्ब आती है ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है जैसे कि यहाँ पर एडमायर आ चुका है तो so ये तो बिल्कुल सही है एडमायर किया किसी गीता को बिकॉज क्योंकि ऑफ हर एबिलिटी उसकी जो एबिलिटी है टू टू के साथ वीवन टू जनरेट सो गुड इडियाज सो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा एंड यहाँ पर ये यह जो फ्रेज होगा वो होगा सच गुड आइडिया मतलब इतने अच्छे आइडियाज वो जनरेट कर पाती है इस वजह से सो so, यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन so मिनिस्ट्री education ministry. Education ministry, बिल्कुल सही है पर्टिकुलर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात की जा रही है द का यूज किया है टास्क टास्क मतलब यहाँ पर verb की तरह काम कर रहा है मतलब उन्होंने क्या किया टास्क दिया यहाँ पर ये यह जो टास्क होगा इसका मतलब होगा असाइन टास्क टू मतलब किसी को कोई टास्क कोई काम असाइन करना ओके okay?

इन इन आया है अगेन तो नाउन आएगा इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन अगेन ये नाउन है तो so, यहाँ पर जो एरर होगा ये बी पार्ट में होगा लेकिन कभी कभार टास्क के साथ विथ का यूज भी किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट टास्क विथ या टास्क ऑफ टास्क विथ जैसे मैंने कहा देवर टास्क विथ देवर टास्क विथ वॉरिंग पार्टी मतलब उन्हें एक टास्क दिया गया था कि आप जो वॉरिंग पार्टीज है ऐसी पार्टी जो वॉर कर रही है उन्हें सेपरेट कीजिए या तो टास्क ऑफ जैसे कि अ न्यू मैनेजर गिवन द टास्क ऑफ डेवलपिंग 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 द इंस्टीट्यूशन तो task of developing. तो टास्क ऑफ इस तरीके से टास्क के साथ ऑफ या विद का यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ब ही uh, uh, मतलब ये जो टास्क वर्ड है ये टास्क ही यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है ओके इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन So let's check. Affordable smartphones स्मार्टफोन नाउन की तरह एडजेक्टिव हो जाएगा एंड इंटरनेट एक्सेस a डिजिटल नेशन मतलब कि जो smartphones आने लगे काफी सस्ते चीप स्मार्टफोन एंड इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा ये येस का मतलब होता है ये एक्सेसिव जो वर्ड होता है ना मतलब कि मोर देन रिक्वायर्ड जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है हम कहते हैं ना एक्सेस अमाउंट में है या एक्सेसिव अमाउंट में है सो मोर देन रिक्वायर्ड ये वर्ड यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा एक्सेस एंड एक्सेस मतलब होता है क्योंकि ये नाउन है ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा एंड आर्टिकल ए इस नाउन के लिए सो so, यहाँ पर जो एरर है ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी में होगा सो so, यहाँ पर ये यह जो एर था ये स्पेलिंग का एरर है कह सकते हैं Next question.

इंडियाज कमिटमेंट टू द्रिएशन क्रिएशन क्रिएशन नाउन है ऑफ वॉट वन सेवेंटी फाइव जी डब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय टू जीरो टू टू अंडर द्लाइमेट एग्रीमेंट सो यहाँ पर जो एरर है ये बी पार्ट में एरर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, guys, this was all about today's session. Thank you very much, guys. Do like, share, and subscribe my videos. Thank you very much.